आज हम अकाउंट्स में पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट करने जा रहे हैं। फाइनल अकाउंट जो आप लोग बनाते हैं सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में, वो फाइनल अकाउंट कंपनी में नहीं है। कंपनी में ये चेंज है, कंपनी में ये वर्टिकल फॉर्मेट है, तो आपने बैलेंस शीट का जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है इसको बार बार याद करके लिखना है, क्योंकि हमेशा इसमें से आपकी आइटम आएंगी। सबसे पहले आप लोगों का पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर फिगर्स लेनी है आपने करंट ईयर की, और फिर फिगर्स लेनी है आपने प्रीवियस ईयर की। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में हमारे दो प्रकार के हेडिंग होते हैं, एक हमारा मेन हेडिंग होता है, एक हमारा सब हेडिंग होता है। तो हमारा मेन हेडिंग है पहला शेयर होल्डर फंड्स। अब इसके सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स। दूसरे नंबर पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपको ऐसे ही तैयार करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप लोग लेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। अब आपकी लाइबिलिटी भी है ये, असेस्ड भी है। अगर आपने टैक्स गैदर कर लिया है ज़्यादा और पेमेंट की है कम, तब तो ये लाइबिलिटी है। और यदि पेमेंट आपने ज़्यादा कर दी है और कस्टमर से इकट्ठा कम किया है, तो ये आपकी असेस्ड है। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, किसी भी आपने इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, पब्लिक डिपॉजिट है, वो आएंगे इसमें। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यू कैन से बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन विद इन ईयर, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यू कैन से प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। ये हमारी हुई लाइबिलिटी साइड। फिर इसका टोटल करेंगे, फिर नीचे आप लिखेंगे असेस्ड। असेस्ड में आपका आएगा नॉन करंट असेस्ड। नॉन करंट असेस्ड के दो टुकड़े हैं, एक आपकी फिक्स असेस्ड है, टेंजिबल इनटेंजिबल, और उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। डेफर्ड टैक्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने पेमेंट ज़्यादा कर रखी है और गैदर कम किया है, इकट्ठा कम किया है, तो ये आपकी असेस्ट बन जाएगी। इसी तरह से आपने दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, दूसरी कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर रखी है लॉन्ग टर्म, और अदर नॉन करंट असेस्ट्स। इसी तरह से इसके अंदर इनटेंजिबल असेट्स आती हैं, जैसे आपकी गुडविल, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपकी आती हैं इनटेंजिबल असेट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। इसके बाद आती है करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर हम लेते हैं कैश इन हैंड प्लस में कैश एट बैंक प्लस में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉर्मेट आपने याद करके बार बार लिख कर देखना है। अब हमारा अगला फॉर्मेट आपने याद करना है, दूसरे नंबर पर इनकम स्टेटमेंट का। इसमें हमने आपको बताया था पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ द करंट ईयर, अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। नंबर वन पर हम लोग लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर दो पर हम लेंगे अदर इनकम। आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर हम एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाएंगे नंबर चार, माल बनाने पर कितना खर्चा हुआ, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंस एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है, सभी एक्सपेंसेस को आप टोटल कर लीजिए, वो हमारा नंबर चार।
आप 3 में से 4 माइनस कीजिए, वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस कीजिए टैक्स, वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दोनों फॉर्मेट आपने याद करके अपनी कॉपी पे बार बार लिखने हैं तो आपको टिप्स पर हो जाएंगे। फिर इसके अंदर की जो आइटम्स हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, चार नंबर का बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट की मेन हेडिंग्स लिखो। तो आपने मेन हेडिंग्स के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स लिखना है, उसके बाद लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स लिखना है, लॉन्ग टर्म रिजर्व्स एंड प्रोविजंस लिखना है, और उसके बाद आपने करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसी तरह से आपने असेस्ट में लिखना है फिक्स असेस्ट, टेंजिबल और इनटेंजिबल, करंट असेस्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपके चार नंबर पूरे। कई बार आपको पूरा फॉर्मेट बनाने को बोलता है तो आप मेन मेन हेडिंग लिख लीजिए और बीच में दो तीन सब हेडिंग्स के आइटम भर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन पूरा होगा। उसके बाद आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है, बच्चों हमने आपको 5-6 आइटम दे दी, आपने उसका लिखना है सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम्स, हेडिंग और सब हेडिंग। अब आपने फॉर्मेट याद कर रखा है तो मिनट में आप उनके हेडिंग्स भर देंगे और आपके चार नंबर पक्के। जैसे आपकी पहली आइटम दी गई है गुडविल, तो इसके लिए आप लिखेंगे नॉन करंट असेस्ट, इनटेंजिबल असेट्स। पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर सब हेडिंग अगर बनता है तो लिख देंगे, नहीं तो डैश लगा देंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है जो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, बैंकों में पहुंचा दिया, परंतु जो बैंकों को डेट दी गई थी तब तक वो शेयर होल्डर वहां से पैसे लेने नहीं आए, उसको हम अनक्लेम्ड डिविडेंड कहते हैं। वो बाद में कंपनी में से जाके ले सकते हैं, इसलिए हम उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं और अदर लायबिलिटीज में उसको शामिल करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज है और ये है हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये इसकी सब हेडिंग है। लूज टू करंट असेस्ट, और इसको हम इन्वेंट्री में शामिल करते हैं, परंतु याद रखें जब आप करंट रेशो निकालेंगे तो इन्वेंट्री में से लूज टूल को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये लूज टूल आप लंबे समय तक अपनी कंपनी में रखे रखते हैं जो आपकी मशीन वगैरह ठीक करने के काम आते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं, ये हमारा शेयर होल्डर फंड्स है, इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेडिंग में शामिल करते हैं। सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स, व्यापारी लोग कंपनी जिस चीज में व्यापार करती है उस चीज को बेचना, वो कहलाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यू कैन से नेट सेल। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अगर आप किसी भी प्रकार से लोन वगैरह पर ब्याज देते हैं तो वो फाइनेंस एक्सपेंसेस है। बिजनेस प्रमोशन कॉस्ट्स, वो आपका अदर एक्सपेंसेस है। तो इस तरह से आपको 5-4 आइटम दी जाती है, उसका आपने हेडिंग लिखना होता है और सब हेडिंग लिखना होता है। और इसी के साथ अगर आप ये फॉर्मेट बार बार लिखकर याद करेंगे, आइटम्स देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चार नंबर पक्के। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश है। आपने इसमें से कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। एक शेयर कैपिटल के बारे में भी आ सकता है, तो जैसे मैंने शेयर वाला चैप्टर करवाया था ऑथराइज्ड कैपिटल, उसके बाद आप लोगों का इश्यूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद आप करेंगे लेस अनकॉल्ड अप कैपिटल, फिर कॉल्ड अप कैपिटल, और उसमें से कॉलिंग एरियर माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपकी पेड अप कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में भी पूछ सकता है। इस तरह से इस चैप्टर में से क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आता है। दैट्स ऑल।